नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। आजाद किसान यूनियन ने तीसरे दिन अनिश्चितकालीन धरना सहायक निबंधक अमित कुमार त्यागी से सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन मिलने के बाद समाप्त करते हुए 10 दिसंबर तक स्थगित कर दिया। झालू जाटान सहकारी समिति प्रांगण में 28 अक्टूबर से विभिन्न मांगों को लेकर आजाद किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था। शुक्रवार को सहायक निबंधक सहकारी समिति अमित कुमार त्यागी ने तीसरे दिन धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान शांत हुए। सहायक निबंधक ने कहा कि किसानों की पहली मांग है कि एजीएम बैठक कराई जाए, तो एजीएम बैठक 18 नवंबर को करा दी जाएगी। ऋण सीमा पास करा दी जाए, खाद और बीज मंगवा दिया गया है। सहायक निबंधक के आश्वासन के बाद किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना समाप्त करते हुए 10 दिसंबर तक स्थगित कर दिया। हाजी शकील की अध्यक्षता एवं धर्मेंद्र सिंह के संचालन में आयोजित धरना स्थल पर आजाद किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने दो टूक कहा कि यदि सहायक निबंधक द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर किसानों की समस्याओं का निदान नहीं होता तो 10 दिसंबर के बाद सहायक निबंधक कार्यालय पर तालाबंदी करते हुए धरना शुरू कर दिया जाएगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होगा। धरना स्थल पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महासचिव मास्टर गिरिराज सिंह, जिला अध्यक्ष धीरज कुमार उर्फ मोंटी, मीडिया प्रभारी सुभाष काकरान, संगठन मंत्री संजीव राठी, सचिव सत्येंद्र राठी, प्रदेश संगठन मंत्री सुधीर बड़ाना, कोषाध्यक्ष शीशराम सिंह, तहसील अध्यक्ष राहुल पंडित, नेपाल सिंह, मनोज कुमार, संजीव राणा, ज्ञानेश्वर सिंह, कपिल कुमार, अभय सिंह, कुदरतुल्ला खां, नितिन कुमार, मुनेश्वर सिंह, जयपाल सिंह, हरपाल सिंह, मुल्ला सिंह फौजी, सत्येंद्र राठी व पिंकू चौधरी आदि मौजूद रहे। झालू से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। जी अध्यक्ष जी, बताइए आपकी क्या क्या मांग थी? इसमें हमारी किसानों से जो संबंधित मांग थी, जैसे ऋण सीमा पास नहीं हो रही थी यहाँ पे, और ऋण सीमा पास के लिए बोल दिया गया है और ऋण सीमा आज पास हो जाएगी। और जैसे किसानों का जो लाभांश नहीं मिल पा रहा था, उसकी एजीएम की डेट निश्चित हो चुकी है 18 नवम्बर। उसमें किसानों को, सभी किसानों को आना है, और जो यहाँ पर बैठ के जितने भी किसान होंगे सब एजीएम में बैठ के बात करेंगे, और जो भी जिसका लाभांश होगा वो सबको लाभांश वितरित कर दिया जाएगा। मैं यहाँ धरना चल रहा था ऋण मांग को लेकर, उसमें आपने क्या आश्वासन दिया उसके बारे में? देखिए, किसानों की 9-10 मांग थी, जिसमें बीज वितरण, खाद वितरण से लेकर ऋण सीमा पास नहीं हुई है, एजीएम नहीं हुई है, कुछ डायरेक्टर गलत तरीके से बनाए गए हैं, समिति की जांच होने से संबंधित कुल 10 मांग थी। 10 पर हमने सभी को एक समयबद्ध आश्वासन दे दिया है कि जांच भी कराई जाएगी, और खाद और बीज समिति में आ चुके हैं। कल खाद आ गया, आज बीज आ गया, और एजीएम की डेट 18 तारीख डिसाइड होगी, जिसके हिसाब से एजीएम होगी, और जो भी किसान भाइयों की समस्याएं सभी समयबद्ध सॉल्व हो जाएगी।